नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबसे तेज न्यूज खबर। यूपी के वाराणसी से है, जहां कैंट थाना क्षेत्र के पहाड़िया चौकी अंतर्गत संजय नगर कॉलोनी में चल रहा था सेक्स रैकेट। जिस घर में सेक्स रैकेट चल रहा था, उस घर को क्षेत्रीय लोगों ने घेर कर पुलिस को सूचना दी। रविवार को सूचना पर पहुंची पुलिस ने 4 लड़की और 3 लड़कों को गिरफ्तार किया। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि भागने के दौरान एक युवती छत से कूदी और अधिक ऊंचाई होने के कारण उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना पर एसएसपी वाराणसी, एसपी सिटी व क्षेत्राधिकारी कैंट मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जांच में कई चीजें एकत्र की। तलाशी के दौरान कुछ विदेशी लोगों की पासपोर्ट व आईडी कार्ड मौके से बरामद हुए। आप देख रहे हैं वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। क्षेत्र में थाना कैंट लगता है, वहाँ पे संजय नगर एक कस्बा है। वहाँ किसी व्यक्ति ने डायल 100 पे सूचना दी थी कि उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ रखा है, घर में बंधक बना रखा है और प्रोस्टिट्यूशन का मामला चल रहा है यहाँ पे। उसमें जब डायल 100 की गाड़ी आई तो जब सर्च हुआ चारों तरफ, लोगों ने भी सर्च किया तो एक लड़की वहाँ पे नीचे गिरी हुई अवस्था में मिली थी, जिसको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो मृत पाई गई। और जो अभी मौके पर पुलिस ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, सारे लोगों ने जो जांच पड़ताल की, उसमें ये लग रहा है प्रथम दृष्टया कि यहाँ पे वाकई में प्रोस्टिट्यूशन का मामला था और इनके जो घर के मालिक हैं वो भी गिरफ्तार किए गए हैं। पूरा पूछताछ होगी तभी पता चल पाएगा। ऐसा भी कुछ एविडेंस मिले हैं जिससे लग रहा है कि यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते थे, लेडी, तो उनके बारे में भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। वीज़ा वगैरह भी मिला है, अभी फॉरेंसिक की टीम आएगी, पूरा विस्तृत रूप से उसकी छानबीन की जाएगी। ढेर सारी मात्रा में अवैध सामग्रियां भी बरामद हुई हैं, उनको भी सब नियमानुसार सील किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी। जी सर, कितनी लड़कियां हैं बरामद हुई हैं? अभी तो एक बता रहे हैं कि ये खाना बनाने वाली थी, 3 अन्य थी वो भी मिली हैं, कुछ लड़के भी मिले हैं, मालिक भी यहाँ के मिले हैं। बट हम लोग अभी और ढेर सारे दस्तावेज भी बरामद हुई है, हम लोग पूरी छानबीन करेंगे। उसके बाद सुनने में आया सर कि 2 लड़कियां और घायल हुई हैं। दो, एक की तो मैंने बता दिया कि उनकी डेथ हो गई है, एक और शायद कूदी थी वो भी थोड़ा सा इंजर्ड है, बट वो आउट ऑफ डेंजर है, उनकी भी कोई जेंट्स भी बरामद हुए हैं सर? जी, कोई जेंट्स भी बरामद हुआ है? जेंट्स बरामद नहीं हुए, जेंट्स पकड़े गए, बरामद नहीं होते हैं लोग जेंट्स, वो यहाँ पे मिले हैं लोग, उनसे भी पूछताछ चली जा रही है। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।